तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आ चुका है अक्षय कुमार के एक और मूवी का ट्रेलर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु के ट्रेलर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि ये ट्रेलर कैसा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर मुझे 50-50 लगा। जी हाँ, ट्रेलर कई जगहों पे अच्छा है, लेकिन कई कई जगहों पे थोड़ा डल लग रहा है। टीजर देख के हमें पता चला था कि राम सेतु को किसी चीज से बचाना है, लेकिन किससे बचाना है वो हमें इस ट्रेलर के देखने के बाद पता चलता है। ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि राम सेतु को डिस्ट्रॉय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ली जाती है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय क्यों किया जा रहा है वो तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और अब इस राम सेतु को बचाने की जिम्मेदारी हमारे अक्षय कुमार पे आने वाली है, जो इस मूवी में हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में देखने को मिलने। इसके अलावा हमें ट्रेलर में एक श्रीलंकन एंगल भी देखने को मिलता है, जो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग इसे कैसे दिखाते हैं। ट्रेलर और टीजर में हमें जो राम सेतु के अंडर वाटर सीन देखने को मिलते हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसके अलावा मुझे पर्सनली इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगा। जो लास्ट का राम राम वाला सॉन्ग है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस मूवी में हमें अक्षय कुमार के अलावा जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत और सत्यदेव जैसे एक्टर देखने को मिलने वाले हैं। ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर मूवी होने वाली है और इस मूवी का बजट अराउंड 100 करोड़ के आसपास। 100 करोड़ बजट होने के बाद भी मुझे कई कई जगहों पे इसका VFX बहुत ही कमजोर नजर आ रहा था। अब कई ऐसे सीन है जिसे आप देख के ही नोटिस कर पाओगे कि ये तो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किए गए हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि थोड़े दिनों पहले ही हमने एक कार्तिकेय 2 मूवी देखी थी जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था और उसमें हमें एक अच्छे VFX के साथ एक अच्छी स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिली थी और उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही अच्छा काम किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मूवी का बजट सिर्फ 14 या 15 करोड़ था, उसके कंपैरिजन में इस मूवी का बजट 100 करोड़ है, लेकिन इस मूवी का VFX हमें बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। मुझे इस मूवी से कार्तिकेय 2 मूवी जैसी एक्शन एडवेंचर की उम्मीद है। और एक बात, मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड इसलिए हूँ कि शायद इस मूवी में हमें राम सेतु के बारे में कुछ हिडन डिटेल जानने को मिले जो हमें आज तक पता न चला हो। ये मूवी रिलीज होने वाली है 21 अक्टूबर को, यानी कि दिवाली के मौके पर, और इसका सीधा क्लैश होने वाला है सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन की मूवी थैंक्स गॉड के साथ। और हाँ, कॉम्पिटिशन में ब्लैक एडम तो पहले से ही है। लेट्स सी कि हमें इस मूवी में क्या नया देखने को मिलता है। और अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा और क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इन सभी बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।